बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच जमकर हो हंगामा हो रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार बिहार के मुजफ्फरपुर शराब कांड में सत्ता पक्ष के विधायक राम सूरत राय को घेर रही हैं, लेकिन राम सूरत राय ने सभा के दौरान यह साफ कर दिया कि उनका शराब कांड से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से बिना वजह उन्हें शराब कांड मामले में घसीट रहे हैं, इसका भुगतान तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा। राम सूरत राय ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सुनने की हिम्मत रखते हैं तो वो ध्यान से सुने, नहीं तो गांधी मैदान में फरिया लेंगे। सदन के दौरान तो राम सूरत राय ने कहा कि उनके पिताजी भी जेडीयू के साथ जुड़े थे, लेकिन पहले लालू यादव का परिवार बताए कि वो किस तरह से हैं और किस तरह की गंदी राजनीति वो शुरू से करते आए हैं और गलत तरह से लोगों को घेरने का काम करते रहे। वहीं गौर करने वाली बात तो ये कि सदन के दौरान जो बहसबाजी हुई उसमें तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों आक्रोशित हो उठे और उन्होंने भी विधायकों पर निजी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।